ओम गणनी सूर्याय नमः, ओम नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई सुबह में, ठंडी ठंडी सुबह में। बस आ गया हूँ यहाँ पर फार्म पर, और हमने पीछे ये पाइप लाइन डाल दी है। ओस पड़ रही है काफ़ी, घास पर काफ़ी ओस है, इसमें पैर भिगोने से अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी महसूस हो रही है काफ़ी। और बस आ गए हैं इधर, और जैसे ही लाइट आती है वैसे ही ट्यूबवेल चल जाएगा। पाइपलाइन बिछा दी है और आप चलते हैं घर की तरफ, और जैसे ही लाइट आती है वैसे ही ट्यूबवेल चल जाएगा और हमारे फार्म में पानी हो जाएगा पूरे में। सूर्यदेव आ चुके हैं, हल्की हल्की मतलब कोहरा जैसा महसूस हो रहा है, महसूस नहीं कहा कोहरा है ये देखो। और हमारे उस फार्म में जो योगी जी के सांड हैं वो आ चुके हैं, मैं चल कर दिखाता हूँ। ये अहले सुबह आ गए यहाँ पर, और ये प्यार को इधर से उधर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, घर की तरफ। लो जी आ गए हैं घर पे, और बस अब झाड़ू वाड़ लगाते हैं और ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करते हैं। 1 hour later. लेबर वाले आ गए हैं, और गुहाने जो पोर्शन है वनस्पति का तो उसके पूरा बांध दिए हैं, और अब इसके पूरा बांध रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर आने में, तो इन्होंने सब पूरा बांध दिया। ये देखो कई सारे लोग हैं, आज इन्हें बांध कर झाड़ देंगे, धान धान हमें मिल जाएंगे, और प्यार एक तरफ कर देंगे, धान एक तरफ कर देंगे, धान हमारे ठिलाम भर के हमारे घर पहुंचवा देंगे, और बाकी प्यार एक दो दिन यहाँ सूखेगा, उसके बाद उसे गरी लगा। लेकर चलता हूँ उस तरफ उनके पास ही। देखो सारे पूरा बांध चुके हैं, ये थोड़े से वो पोर्शन रह गया है उसमें बांध देंगे, करीब 1 घंटे का समय है। अरे भाई रामीर भाई, बहुत बढ़िया, बड़े दिनों दर्शन दिए। बस सब बढ़िया, तो ये बात पूरा बन जाएंगे। मनोज भाई मोटे बहुत बांध रहे, बड़े बड़े हाथ में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तो सही है। इतने बन चुके हैं, और बस ये रहेगा, आज 1 घंटे में बांध देंगे पूरे पूरा, उसके बाद झाड़ना शुरू कर देंगे। और भाई मुकेश बढ़िया, यहाँ पर इनका काम करने देते हैं, ये बांध रहे हैं, और तब तक हम हमारे ठेला में जो हवा कम हो गई है वो हवा डलवा जाते हैं। और एक व्यक्ति को पकड़ के हमने वो जो उसमें कूड़ा कबाड़ा था, गोबर वगैरह था भैंस का, वो हमने डलवा दिया है घूर पर। और बस अब पहुँच रहे हैं हवा वाले पंचर वाले भैया के पास में, तो वहाँ से अपने ट्रक ठेला में जो हवा कम है वो डलवा देंगे, ताकि जो वजन होगा वनस्पति का उसे आसानी से तान सके हमारा टायर। तो ट्रैक्टर उस तरफ खड़ा है, वो खड़ा है वहां पर ट्रैक्टर। ठेला सना हुआ था थोड़ा सा, उसमें गोबर वगैरह में, तो वो मैंने धुल दिया है, अब वो नीट एंड क्लीन हो गया है, और अब बस हवा डलवाने चल रहा है। तो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और दिखाते हैं वो प्रोसेस हवा डालने का। ट्रैक्टर तक ही पहुंच पाया, इतने में मनोज भाई का फोन आ गया, बोले कि प्रमोद भाई पहले ड्रम निकलवा दो ट्यूबवेल में से, उसके बाद चले जाना, हम झाड़ने का मतलब शुरुआत करा देंगे। तो चाबी है मेरे पास, मैं ड्रम निकलवा देता हूँ पहले उनके पास, उसके बाद जाते हैं हवा डलवा। सारे बांध रहे लगकर, बस इनमें से एक व्यक्ति आ जाएगा और ड्रम निकाल देंगे। और इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपके लिए, जो बन कचरिया थी वो सूख चुकी है, वो यहाँ से किसी ने बेल काट, बेल है ऊपर तो जा रही है, ये देखो सब सूख गए। शायद दीपक भाई ने काटी होगी, ये सोचकर कि ऊपर सीलन पहुंचेगी। और ड्रम निकलवा देते हैं उनका। ये दो ड्रम है, इन्हें बाहर निकलवा देते हैं, और हम चलते हैं ट्रैक्टर के ठेला में हवा डलवाने के लिए। मैं और दीपा भाई पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर वाले भैया के पास, और हाईवे सामने आ गए हैं हाईवे पर, और बस बन रहे हैं दोनों भाई हाईवे, और बस पहियों में हवा डलवा रहे हैं। वो तो ये 40 हो या वही, तो वैसे 80 पॉइंट आती है इसमें, पता नहीं क्या 40 आती है, 60 कर दो। अच्छा अच्छा हाँ 60 कर दो, कोई नहीं। तो बस अब निकल जाएंगे घर की तरफ। इसमें ये बाल खराब था, तो ये बाल कितने डाल दिया, 18 पॉइंट इसमें थी, तो ये डलवा देंगे। काफी दिनों से ऐसे ही ठेला खड़ा रहा धूप में,
गोबर भरा हुआ था, तो अब देखो साफ साफ कर दिया, बिल्कुल रिटर्न भी करेंगे। धूप की धूप में खड़ा रहता है ठेला, तो इस वजह से हवा निकल जाती है। हवा पड़ चुकी है तो अब निकलते हैं अपने घर की तरफ और फार्म पर ही ले जाकर ट्रैक्टर के लिए खड़ा कर देंगे, ताकि शाम को जो बासमती है हो जाएगी तो मतलब उसे भर के ले जाएंगे। लो जी आ गए हैं फार्म पर और इधर इनका लंच टाइम होने वाला है। बांध चुके हैं सब, आखिरी मांग बांध रहे हैं वो, इसके बाद झाड़ना शुरू कर देंगे। पूरे फार्म में पूरा बन चुके हैं, ये निपट गए हैं। अब वो गांव के गोहनी जो वाला पोर्शन है उधर गए हैं झाड़ने के लिए। काफ़ी धान हिल गया है देखो। लो जी आ गए हैं इस तरफ और इधर ये दोबरा फैला रहे हैं, धान झाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लो जी इन्होंने पूरा बचा लिए हैं, जगह कर ली है और यहाँ पर मुकेश अच्छे अच्छे ना बीचों में छा लियो, एक दोबरा की कमी पड़ गई है तो वो दोबरा मतलब लेकर आ रहे हैं पापा जी घर से। ये बिछा दिया तो ये हटा दिया है, यहाँ से हटा देंगे, बीच में डाल लेंगे, बाकी दूसरा दोबरा मतलब बिछा लेंगे ताकि धान इधर उधर ना करें। और वो भैया उधर गन्ना लेकर आए हैं, गन्ना खाएंगे दोबरा की वजह से, सब आराम फरमाते हुए गन्ना खाते हुए। अभी सुरेश नहीं आ रहा, सुरेश कहाँ है आजकल? अपना काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सेब तो काफी सस्ते हैं, आराम से खा जाओ। बस दोबरा आ रहे हैं, दोबरा का इंतजार करते हुए इन्होंने शुरुआत कर दी है और जो फड़ पे जो ड्रम है वो भी लगा दिए हैं मेरे खत्म होने के लिए। और ये भर भर के ला रहे हैं पूरा को और झाड़ना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। खाना हो गया हमारा और देखते हैं फार्म पर जाकर कि लेबर वाले लगे हैं अपने काम पर या अभी अपना आराम कर रहे हैं। तो ठीक है निकलते हैं और मैं गेट बंद कर देता हूँ, चलते हैं आगे। लो जी पहुँच गए हैं इधर और इधर मनोज भाई पूरा इकट्ठे करते हुए और उधर वो झाड़ते हुए और इस तरफ पापा जी बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं उस तरफ भी चलता हूँ उनके पास, मेहनत कर रहे हैं सब लोग और बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। देखो सारे पोर्शन के जो धान हैं वो सब झाड़ दिए हैं, इस तरफ से मनोज भाई उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इधर धूल काफ़ी उड़ रही है, मुझे उस तरफ छाँव में जाना है। तो ठीक है इन्हें झाड़ने देते हैं, मैं इस तरफ छाँव में खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पर। A few moments later. इस पोर्शन के धान झड़ चुके हैं और पीछे भी झड़ चुके हैं, तो ये सब ढेर लगाना है एक दोबरा पर, ताकि जो बाकी दोबरा है उन्हें उस वाले फार्म पर उस तरफ ले जाकर पोर्शन में ले जाकर जो धान है मतलब उन्हें आसानी से झाड़ा जा सके। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं, ये सब इकट्ठे कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, हमारे खाने लायक निकल जाएंगे आराम से, पूरे साल भर का इंतजाम हो जाएगा हमारा। लो जी एक दोबरा पर सारे धान कर दिए हैं, अब एक को ट्रैक्टर की मशीन लाकर इसे सलवा देंगे, जो कूड़ा कूड़ा है जो गर्दा है वो सब निकल जाएगा। अब चलते हैं उस तरफ उस वाले पोर्शन में और वहां पर जाकर धान झाड़ने की जो मतलब प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। ये धान यहाँ पर पड़े रहेंगे और अब चलना है आगे की तरफ, सब लोग जा चुके हैं, बस रामगिरी रह रहे हैं, तो रामगिरी पल्ली कट्टा लेकर जा रहे हैं। हमारा ये पेड़ सूख चुका है, इसका अफसोस हो रहा है काफ़ी। कोई नहीं जब हॉर्न वगैरह होगा तो उसमें इसकी लकड़ी जरूरत पड़ेगी। कुछ साइकिलें इधर खड़ी हैं इनकी, कुछ उस तरफ खड़ी हैं।